Namaste. Today we step into history to talk about the tragic tale of Maharaja Nandakumar and the first judicial British murder in India. Nandakumar, born in 1705 in today's Birbhum, was a brilliant statesman, an established zamindar, and handled various posts for the then Nawabs of Bengal. Unfortunately, he made an enemy in the then Governor General of Bengal Presidency, Warren Hastings, of the British East India Company. नंदकुमार को 1764 में शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल का कलेक्टर नियुक्त किया गया। उनके कार्यकाल के दौरान नंदकुमार ने हेस्टिंग्स पर रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार का न्यायसंगत आरोप लगाया। इससे एक विवाद प्रज्वलित हुई जो कुछ समय पश्चात शांत हुई, परंतु हेस्टिंग्स को याद रहा। बाद में एक बैंक से धोखाधड़ी के लिए किए गए जालसाजी का एक गलत मामला नंदकुमार के खिलाफ लाया गया। मामला क्रमशः नए स्थापित सुप्रीम कोर्ट तक गया। राजनीतिक इरादों से घिरे एक मुकदमे में नंदकुमार को जूरी और मुख्य न्यायाधीश एलिशा इम्पे के सामने पेश किया गया। इम्पे हेस्टिंग्स के करीबी सहयोगी थे। नंदकुमार को दोषी पाया गया और उन दिनों जालसाजी की सजा फांसी सुनाई गई। नंदकुमार को 5 अगस्त 1775 को फांसी हुई। अनेक लोग देखने भी आए। उन दिनों फांसी सार्वजनिक होता था। फांसी के पश्चात लोगों को इतना बुरा लगा कि वे पाप स्खलन करने गंगा में स्नान करने गए, क्योंकि उन्होंने एक ब्रह्म हत्या का साक्ष्य किया था। नंदकुमार एक ब्राह्मण थे ना। महाराजा नंदकुमार स्टोरी रिफ्लेक्ट्स ए प्राइस पेड फॉर ट्रूथ एंड द फर्स्ट जुडिशियल मर्डर बाय द ब्रिटिश बाय हैंगिंग। आयरोनिकली नंदकुमार वाज हैंग्ड नियर द प्रेजेंट डे विद्यासागर सेतु इन कोलकाता। द एरिया इज कॉल्ड हेस्टिंग्स आफ्टर द गवर्नर जनरल एंड दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी फेल्ड टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट रॉबर्ट क्लाइव हु हैड इंडल्ज्ड इन फोर्जरी अगेंस्ट द इंडियन बिजनेसमैन अमीर चंद द जगत सेठ एट दैट टाइम। Remember to like, share, and subscribe to explore more of less told stories from our past.